जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी तुर्की टूरिस्ट वीज़ा पे। तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, वीज़ा फ़ीस क्या है और इसमें प्रोसेसिंग टाइम कितना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। वैसे तो मैंने दो तीन वीडियो ऑलरेडी तुर्की पे बनाई हुई हैं, लेकिन ये थोड़ी सी लेटेस्ट कुछ इसमें चीज़ें हैं। और दूसरा, मेरे सोशल मीडिया पे काफ़ी दोस्त मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे इंस्टा पे मैसेज आते हैं, हाय हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम, तो इस तरह मैसेज करके आप छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, कोशिश किया करें कि अगर आप पूरा मैसेज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि मैं आपको उसी हिसाब से फिर आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि मैं हर टाइम ऑनलाइन तो नहीं रहता, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ आपको इंस्टा पे भी और व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करने के लिए। ठीक हो गया दोस्तों। तो तुर्की वीज़ा अगर आपने यूएई से अप्लाई करना है तो दो चीज़ें सबसे पहले आपने देखनी है। अगर आपका वीज़ा अबू धाबी का है या आपका वीज़ा अल ऐन का है, तो उस वक्त में आपको जो वीज़ा है वो अबू धाबी से यानी अबू धाबी से अप्लाई करना है। आपको जो अपॉइंटमेंट लेनी है वो अबू धाबी से लेनी है और आपके डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा दुबई या शारजा, अजमान या बाकी एमिरेट्स का है, तो फिर आप दुबई से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं गेटवे, जो कि वाफी मॉल दुबई में है, वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और आप जो है वहाँ जाके आपकी फ़ाइल को सबमिट कर सकते हैं। जब भी आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो उससे पहले आप एक चीज़ क्रॉस चेक कर लें कि आपका पासपोर्ट जो है वो मोर देन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, आपका यूएई का रेजिडेंस वीज़ा जो है वो मोर देन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, और दूसरा आपके पासपोर्ट पर एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेज लाजमी होने चाहिए। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है, अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है, कोई इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब भी आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट लेनी है तो 489 दरम आपने पे करने हैं, जो कि अपॉइंटमेंट की फ़ीस होती है, गेटवे की फ़ीस होती है। आपने इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट, आपका यूएई का रेजिडेंस वीज़ा, आपकी एमिरेट्स आईडी 6 मंथ वैलिड होने चाहिए, आपकी 2 फोटोग्राफ लेनी है आपने विद वाइट बैकग्राउंड, साइज में मेंशन कर दूंगा, और एक आपको कंपनी से एनओसी लेटर लेना है जिसमें आपकी सैलरी मेंशन होनी चाहिए, आपकी पर्सनल डिटेल मेंशन होनी चाहिए, आपकी जो अप्रूव्ड वेकेशन है वो उसमें मेंशन होनी चाहिए, तो एनओसी लेटर होना चाहिए, लास्ट 3 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट 215,000 से ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा है सिंगल एप्लीकेंट के लिए। होटल बुकिंग आपने कंफर्म नहीं लगानी, इसमें उन्होंने वेबसाइट पे भी मेंशन किया हुआ है, आप रेजर्वेशन दे सकते हैं, और साथ में आपकी जो फ्लाइट रेजर्वेशन है वो भी आपने रेजर्वेशन ही देनी है, कंफर्म नहीं लगानी। तो 489 दरम आपने पे करने हैं सबसे पहले आपकी जो अपॉइंटमेंट के टाइम, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लेके जाने हैं। अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ का और आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है प्लस वाइफ के पासपोर्ट, वीज़ा, एमिरेट्स आईडी की कॉपी प्लस फोटोज, बच्चे हैं साथ में तो बच्चों के भी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होंगे और बच्चों का पासपोर्ट, वीज़ा और एमिरेट्स आईडी की कॉपी और फोटोज साथ में चाहिए होंगी। तो ये तरीकाकार है जी। अपॉइंटमेंट की फ़ीस जो है आपने ये पे कर देनी है, और उसके बाद जो है वहाँ जाएंगे तो आपने एम्बेसी की फ़ीस पे करनी है, 250 दरम है, प्लस आपने कोरियर की फ़ीस पे करनी होती है, तो कोरियर की फ़ीस जो है 25-30 दरम होती है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ऑल टुगेदर आपने ये पेमेंट जो है वो आपने करनी है वहाँ पे, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ सबमिट कर देंगे दोस्तों। और कोशिश करें अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपने कोई प्रीवियस कोई आपके वीज़े लगे हैं तो वो साथ में ऐड कर दें, कोई आपने ट्रैवल हिस्ट्री की हुई है तो उसके वीज़ा की कॉपी साथ में लगा दें। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप आपके घर का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं अगर आपके पास है, तो गाड़ी के आपका ड्राइविंग लाइसेंस कार मुल्क की अगर लगा सकते हैं तो अच्छी बात है, लगा दें। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए आपको वैसे भी, ठीक है, वहाँ पे वो मना तो करते हैं, वो नहीं लेते, लेकिन आप थोड़ा सा इंसिस्ट किया करें, आप लगा दिया करें साथ में। दूसरा ये है कि ट्रैवल प्लान आपने देना है, ट्रैवल प्लान डे टू डे आपका ट्रैवल प्लान होना चाहिए, एक अच्छा सा कवर लेटर बना लें जिसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल बतानी है, अपनी कंपनी के बारे में बताना है, कब से आप यूएई में काम कर रहे हो, आपके पास टोटल फंड्स क्या हैं, आप डॉक्यूमेंट्स क्या दे रहे हो, कहाँ कहाँ आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है और आपका ट्रैवल का पर्पज़ क्या है। तो ऑफकोर्स टूरिज्म के लिए आप जा रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा का ही आपने बताना है कि आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो और आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो। तो ये कुछ तरीकाकार है दोस्तों, अगर आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑल टुगेदर 489 दरम, 250-270 दरम ये पे करने हैं आपने, तो ऑल टुगेदर 800-850 दरम के अंदर ये वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें जो है वो एडिशनल मैं आपको जो ये बताना चाह रहा हूँ कि तुर्की का जो वीज़ा है, इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो जो गेटवे की
गेटवे की जो फीस होती है 489 दरम, वो आपको रिफंड हो जाती है। ठीक है जी, 489 तो नहीं आपको वो रिफंड करते, लेकिन उसमें से 450-460 तक वो आपको वापस कर देते हैं इन केस आपका वीजा अगर रिजेक्ट हो जाता है। तो करना क्या होगा, आपने इनको पहले ईमेल करनी होगी आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है, और फिर आपको वो टाइम बताएंगे, आप वहां चले जाएं आपका पासपोर्ट ओरिजिनल लेके और वो जो रिजेक्शन पेपर होता है वो साथ में लेके आप चले जाएं, तो वो आपको 450 या 460 दरम कुछ जो है आपको वो रिफंड कर देंगे। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये एक तरीकाकार है, तरीका टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए। मजीद अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे इंस्टा पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे।